जी आप बताइए। कंटिन्यू जी। देखिए मैं अभी बोल चुकी हूँ कि मेरी लैंड जो है मुझे उसको आइडेंटिफाई करवाना है। मैं जूझ रही हूँ, मैं पिछले कितने सालों के से उस ब्रोकर उस ओनर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी जमीन दिखाइए। वो ये लैंड रावलपुरा में है, अलमदार कॉलोनी में। तो मेहरबानी करके मेरी अथॉरिटीज से हैंड फोल्डेड गुजारिश है, हाथ जोड़ कर की मेहरबानी करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, DC साहब, LG साहब, ये देखिए कि ये लैंड कहाँ है, क्योंकि इसमें इट इज। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे फिर से यही सवाल कर रही हूँ कि एक छोटी सी बच्ची ने वीडियो शेयर किया कि होमवर्क जो है हमारा ज़्यादा होता है, तो उसको इतना आपने इशू बनाया, क्योंकि ये मसला आपके लिए आसान था 2 घंटे से आधा घंटा बनाना। अब इसमें आप क्यों पीछे रह रहे हैं? अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ, पिछले 10 साल से मैं कश्मीर की, आप बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे कि मैं कश्मीर की खिदमत कर रही हूँ, और क्या मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं मिलेगा कि कोई मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे धमकियां दे रहा है? मैं अपना हक मांग रही हूँ। आई एम आस्किंग फॉर माई राइट्स, वी आर आस्किंग फॉर आवर राइट्स। उसके बावजूद जो है ना कोई हमारी सुन रहा है। सारे जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स तब खड़े हो जाते हैं जब उनका अपना मुफाद होता है। इसमें क्या गड़बड़ है? कोई भी पॉलिटिकल लीडर से लेकर अथॉरिटी में कोई बात नहीं कर रहा। क्या इसका मतलब ये है कि वो somehow इस बंदे को जानते हैं या इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी डिमांड मेरी डिमांड है, मेरी लैंड डिमार्केट हो जाए। Okay, thank you.